कुन्नूर में क्रैश साइट पर पहुंचे वायुसेना अध्यक्ष बीआर चौधरी, आज दिल्ली लाया जाएगा बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, कल दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार। हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में देंगे जानकारी। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। आज दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक, आंदोलन खत्म करने पर किसान संगठनों की बैठक में हो सकता है फैसला। मणिपुर में कांग्रेस को लगा झटका, 12 विधायकों को आरोग्य ठहराने की कांग्रेस की मांग को मणिपुर के राज्यपाल ने किया खारिज। यूपी चुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर, 14 दिसंबर से विजय रथ यात्रा का छठा चरण शुरू करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव होंगे शामिल। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत, आज कानपुर और आगरा में संवाद कार्यक्रम करेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, पार्टी की गिनाएंगे उपलब्धियां। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में घर के अंदर भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, WHO के मानकों से 20 गुना अधिक, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाया, रोहित शर्मा बने टीम इंडिया के नए कप्तान, 2023 वर्ल्ड कप के लिए बोर्ड ने लिया फैसला। आज शादी के बंधन में बंधेंगे अभिनेत्री कैटरीना कैफ और विक्की कौशल, राजस्थान के सवाई माधोपुर के महल में लेंगे सात फेरे। US, रूस, पाक और अन्य देशों ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया शोक, US बोला भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी के प्रबल समर्थक थे जनरल रावत। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत, WHO ने जारी किया अलर्ट, कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से तेजी से फैल रहा संक्रमण। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का कहर, दक्षिण अफ्रीका ने फाइजर के कोरोना वायरस बूस्टर वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच सतर्क हुआ ब्रिटेन, वर्क फ्रॉम होम लौटा, कर्मचारियों को दफ्तर न आने के निर्देश। गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले मरीजों के लिए एंटीबॉडी, खास एंटीबॉडी दवा को अमेरिका में मंजूरी, लोगों को मिली राहत। लगातार 35 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं, दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। इलेक्ट्रिक कारों की मार्केट पकड़ने लगी रफ्तार, इसराइल में अगले साल से सड़कों पर दौड़ेगी बिना ड्राइवर की कारें, सरकार ने की पूरी प्लानिंग। अमेजन फ्यूचर मामले को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट दस्तावेज के समय और सामग्री पर नाराज, 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। Better.com के CEO ने जूम कॉल पर 900 लोगों को नौकरी से निकाला, फजीहत के बाद अब मांगी माफी, कहा मेरा तरीका सही नहीं था। फीचर फोन यूज करने वाले अब पेटीएम फोन पे से कर सकेंगे पेमेंट, RBI ने जारी किया नया प्रस्ताव।